नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। विगत दिनों श्री कृष्ण कॉलोनी में लेडी टीचर की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। टीचर के बहन के ही बेटे ने महज 15,000 रुपए के लेन देन में की थी हत्या। सीएसपी रविन्द्र वास्केले ने बताया कि पुलिस ने आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर की हत्या हुई है, उसमें पुलिस के द्वारा क्या? हाँ, दिनांक 25 तारीख की घटना है, जिसमें घटनास्थल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी निरीक्षण किया था और घटना काफ़ी संगीन थी। लगातार तकनीकी साक्ष्यों और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के बाद उसके रिश्तेदारी का लड़का कार्तिक के द्वारा हत्या की गई थी। उसने पूछताछ में बताया था कि उसका आपसी लेन देन था, जिसमें उसने पूरी प्लानिंग के अनुसार उसको घर गया और स्टील की बोतल उसके सर पर वार की, जो बेहोश हो गई। उसके बाद में चाकू, वहीं किचन से चाकू से वार किया था, इसमें उसका ध्यान दिया गया। तो और फिर साक्ष्यों को छुपाने में वो अपनी कहानी बनाते रहा। तो इसमें पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन में थाना प्रभारी कोतवाली और उनकी टीम और साइबर टीम ने बहुत मेहनत की और लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन मिलता रहा, जिसमें इसको खुलासा किया। सर, हत्या का कारण क्या रहा? सर, पूछताछ में उसने लेन देन का बताया है। कितना? 15,000 का। सर, आरोपी और मृतक का दोनों रिश्तेदार भी हैं क्या? हाँ, क्या रिश्तेदार? मौसी का, ये मतलब उसकी बड़ी बहन का लड़का है। ये गिरफ्तार हो गया सर? गिरफ्तार होकर पेश कर दिया और पूछताछ कर रहे हैं, और कोई पॉइंट आएगा तो उसमें काम करेंगे।